अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन टिप्स एंड ट्रिक्स। माय नेम इज़ वकार अहमद और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आप कैसे अपने पीसी, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में कैसे पबजी मोबाइल को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप कैसे पबजी गेम को अपने पीसी या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल आसान वे से, बहुत ही इजी वे से। आप कैसे अपने पीसी लैपटॉप में पबजी को इंस्टॉल कर सकते हैं। सिर्फ पबजी ही नहीं, आप और भी बहुत सारे गेम्स को इंस्टॉल कर सकते हैं जो जो मोबाइल पर चलती हैं, या फिर जो जो गेम्स ऐप्स मोबाइल पर चलती हैं वो भी आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। वो भी अगर आपके पीसी या लैपटॉप की रैम 2 GB है तो भी आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। बहुत ही हम एक एमुलेटर यूज़ करेंगे, बहुत ही नया एमुलेटर आया है, वो बहुत ही हैवी नहीं है, वो बहुत ईजी तरीके से चल जाता है, उसे चलाने के लिए ज़्यादा रैम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो दूसरे एमुलेटर्स के मुकाबले में बहुत ही कम रैम लेता है, इसीलिए आज मैं वो एमुलेटर आपके साथ शेयर करूँगा। मैं आपको पबजी मोबाइल इंस्टॉल करके भी दिखाऊँगा कि आप वो कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, सारा तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। आपने बस करना इतना है कि वीडियो को देखना है कम्प्लीट, दरमियान में से कोई स्टेप नहीं करना है, मिस कंप्लीट देखना है, ताकि आपको हर स्टेप की अच्छे तरीके से समझ लग सके। मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि आपने वो एमुलेटर डाउनलोड कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, और बाकी जो जो चीज़ें आती हैं वो कैसे कैसे करनी है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दें लाइक। सबसे पहले तो हम कर लेते हैं उस एमुलेटर को डाउनलोड। सबसे पहले आपने ओपन योर फेवरेट ब्राउज़र, मैं यहाँ से कर लेता हूँ गूगल क्रोम ओपन, और यहाँ पर आपने सर्च करना है फाइल होर्स। यहाँ पे जैसे आप फाइल होर्स लिखेंगे, यहाँ पे मैंने लिखा filehorse.com, ये मैंने सर्च किया। यहाँ से आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे, ये इस वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ से आप फ्री में कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं, इसी वेबसाइट से हम वो एमुलेटर भी डाउनलोड करेंगे। यहाँ पर आप वो एमुलेटर सर्च भी कर सकते हैं, उस एमुलेटर का नेम है स्मार्ट गागा, SMARTGAGA उसका नेम है। यहाँ पर आप उसे सर्च भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पर इनकी कैटेगरीज बनी हुई हैं, हर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी बनी हुई है। यहाँ से आप एमुलेटर्स की कैटेगरी में अगर आते हैं तो यहाँ पर ये देखें डेस्कटॉप इन्हेंसमेंट, ये डेस्कटॉप इन्हेंसमेंट के कैटेगरी में आपको मिल जाता है स्मार्ट गागा। ये डक की शेप का ये एमुलेटर है, डक बनी हुई है, सिंपली है, इसे डाउनलोड करना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस एमुलेटर पर क्लिक करेंगे आप बिल्कुल इस पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ से आप इस एमुलेटर को ओनली वन क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्री डाउनलोड, जैसे ही आप फ्री डाउनलोड पर क्लिक करेंगे आपका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसे पहले से ही डाउनलोड करके रखा हुआ है, अब हम देख लेते हैं कि हमने इसे इंस्टॉल कैसे करना है। आपने जाना है डाउनलोड वाले फोल्डर में, मैंने इसे डाउनलोड करके मैंने इसे दूसरी ड्राइव में रखा हुआ है। यहाँ से मैं इसे कर लेता हूँ इंस्टॉल, यहाँ से आपने अपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है, वहाँ से इसे इंस्टॉल करना है। ये है हमारा सॉफ्टवेयर, ये आप देख सकते हैं, ये देखें स्मार्ट गागा, आपने इस पर डबल क्लिक करना है और इसे इंस्टॉल कर लेना। जैसे आप इस पर डबल क्लिक करेंगे
ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी इसकी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है। नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इंस्टॉल पर क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। ये अब लोडिंग करेगा थोड़ी सी, उसके बाद ये आपके सामने पेज आ जाएगा। आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है और ये आपका सिंपल इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल किया हुआ है इसलिए मैं करता हूँ इसे ओपन। आपने जाना है इसको इंस्टॉल करने के बाद आपने कर लेना है इसे ओपन। ये देखें यहाँ पर ये पड़ा हुआ है हमारा सॉफ्टवेयर, ये आप देख सकते हैं ये रहा। आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसे कर लेना है ओपन। ये देखें ये है इसका इंटरफेस, ये आप देख सकते हैं ये इसका इंटरफेस है। ये बिल्कुल ही मोबाइल की तरह है, इसकी जो शेप है वो भी मोबाइल की तरह है, बिल्कुल मोबाइल की तरह है। ये आप देख सकते हैं इसी तरह ये भी आपके पीसी या लैपटॉप में भी इसी तरह ये ओपन हो जाएगा। ये लोडिंग कर रहा है, यहाँ पर नीचे इसकी पट्टी चल रही होगी, ये देखें यहाँ से ये लोडिंग हो रही है इसकी। ये लोडिंग होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और बिल्कुल जैसे हम मोबाइल में इसे इंस्टॉल करते हैं चीज़ों को, इसी तरह हम इसमें भी चीज़ों को इंस्टॉल करेंगे। मैं आपको पबजी इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि आप पबजी कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इसमें। ये देखें ये ओपन हो चुका है हमारा जो एमुलेटर है, ये है इसका इंटरफेस, ये हमारा ओपन हो चुका है। इसमें मैंने पहले भी कुछ ऐप्स इंस्टॉल की हैं, ये देखें जैसे व्हाट्सएप मैंने इंस्टॉल की थी, यहाँ से एक और ऐप इंस्टॉल की थी मैंने। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने ये कैसे करना है। आपको यहाँ पर मिल जाता है प्ले स्टोर, प्ले स्टोर से हम करेंगे पबजी को इंस्टॉल। अब जैसे आप प्ले स्टोर पर क्लिक करेंगे, ये आपसे कहेगा कि आप अपना जीमेल अकाउंट इसमें एंटर कर दें। आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, बिल्कुल सेम मोबाइल की तरह होता है, जैसे आप मोबाइल के प्ले स्टोर में अपना जीमेल अकाउंट लगाते हैं उसी तरह आपने यहाँ पर भी अपना जीमेल अकाउंट लगाना है। मैं आपको इसमें जीमेल अकाउंट लगाने का तरीका भी बता देता हूँ। जैसे आप ये ओपन करेंगे प्ले स्टोर, आपके सामने ये पेज आएगा, आपने कर देना है एग्जिस्ट पर क्लिक। जैसे आप एग्जिस्ट पर क्लिक करेंगे ये कहेगा कि आप यहाँ पर अपना जीमेल अकाउंट एंटर करें। आपने ऊपर वाले बॉक्स में जीमेल अकाउंट और नीचे वाले में उसका पासवर्ड एंटर कर देना है। मैं भी कर देता हूँ अपना जीमेल अकाउंट और पासवर्ड इसमें एंटर। आपने भी बिल्कुल इसी तरह ही अपना जीमेल अकाउंट और पासवर्ड इसमें एंटर कर देना है और आपका जीमेल प्ले स्टोर में लॉगिन हो जाएगा। आप जैसे ही अपना जीमेल अकाउंट और उसका पासवर्ड इसमें एंटर कर देंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा गूगल सर्विसेज, आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपके प्ले स्टोर में एक्टिवेट हो जाएगा आपका जीमेल अकाउंट। नेक्स्ट करने के बाद आपका प्ले स्टोर आपके सामने ओपन हो चुका है। अब आपके सामने ओपन हो चुका है प्ले स्टोर, अब आप यहां से कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूं। यहां पर आपको इसके डेस्कटॉप पर भी बिल्कुल मोबाइल की तरह ऐप्स मिल जाती हैं और यहां पर आप सर्च भी कर सकते हैं। हम पबजी सर्च करते हैं, यहां पर मैंने पबजी सर्च किया और ये सर्च हो रहा है। यहाँ से आप बिल्कुल इजी वे के साथ कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे वो पबजी हो, टिकटॉक, यूट्यूब, कोई भी ऐप हो, कोई भी गेम हो, कोई भी गेम आप इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके के साथ। यहाँ से आपने सर्च करना है और वो आपको मिल जाएगी ऐसे। बिल्कुल ये देखें आपके सामने आ चुकी है पबजी मोबाइल, ये आप देख सकते हैं पबजी मोबाइल इंस्टॉल और यहाँ पर नीचे भी आपको इसकी डिटेल्स मिल चुकी हैं। ये देखें 4.2 की इसकी रेटिंग्स है, 33 मिलियन इसके रिव्यूज़ हैं, 593 MB की ये गेम है और
इसकी डिटेल्स आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ज़्यादा आपने सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, ये देखें ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुकी है। ये देखें ये आपके भी बिल्कुल इसी तरह आप कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल एक क्लिक में इस एमुलेटर की मदद से। ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा, अगर आपका इंटरनेट की स्पीड तेज़ होगी तो जल्दी डाउनलोड हो जाएगी ये गेम। और ये आप देख सकते हैं, ये अब हमसे पूछ रहा है कि पबजी मोबाइल साइबर वीक कि आप इसकी जो परमिशंस दे रहे हैं वो एक्सेप्ट करें। ये हमने की एक्सेप्ट और ये अब इसकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी इंस्टॉल। बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ से कोई ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ, और बिल्कुल आसानी के साथ आप उसे प्ले भी कर सकते हैं। बिल्कुल मोबाइल वाला तरीका ही इसमें आ जाता है, उसको फॉलो करते हुए आप बिल्कुल इसे आसान तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप इसे कर दें लाइक, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें चैनल को सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस और ऑल का ऑप्शन करें सेलेक्ट, ताकि अगर फ्यूचर में मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।